कई बार लड्डू गोपाल बहुत छोटे होते हैं तो मेरे लिए लड्डू गोपाल लगभग इतने बड़े हैं इस तरीके से जॉइंट करके इनको सिल लेंगे। देखिए मैंने ये जॉइंट कर लिया है, आज इसमें यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इसको इस तरीके से हम पलट देंगे। पलट देने के बाद इस पर प्रेस करना चाहो तो प्रेस कर सकते हो आप, उससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया है और यहाँ पर भी इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट हो जाता है तो हमें इसमें फिर चुनट्टे डालने में दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हम चोली बनाने के लिए इस तरीके से इसको यहाँ पर सिलाई चला लेंगे। मशीन से सिलने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको हमें पलटने में बहुत ही आसानी रहेगी क्योंकि ये काफ़ी मोटा है। इस तरीके से आप चाकू की हेल्प से या फिर फिंगर से आप इसको पलट सकते हैं। तो इस तरीके से मैं दो बना लूँगी मैं, और मैंने साथ ही इसमें लेस लगा दी है थोड़ा अच्छा सा सुंदर दिखने के लिए। आप चाहो तो ये 5 रुपये 10 रुपये मीटर की लेस कहीं पर भी मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों तैयार कर ली हैं और अब देखिए इसमें हम चुनटें डाल के घेर तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसान हो जाता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप चाकू से भी इस तरीके से इसमें चुनटें डाल सकते हैं। तो आपकी ब्यूटीफुल सी पोशाक एक बन के लड्डू गोपाल के लिए रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से मैं सारे घेर में रेडी कर लूँगी मैं। देखिए मैंने सारी चुनटें इसमें भर ली हैं। अभी हमारे लड्डू गोपाल की पोशाक के लिए घेर रेडी हो चुका है। अब हम इसको 2 इंची के निशान लगा करके इसको हम सिल देंगे आपस में। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। अब इसको पलट पलट करके भी सिलाई अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे इसको टक कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया है और इसको पलट करके ऊपर की चोली को जो मेन सिरा है स्टार्टिंग से वहाँ पर जॉइंट करके इसको सिल देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है इस तरीके से बनाना। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये सिलकर रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से आप चाहो तो बचे हुए कपड़े की घर पे ही लड्डू गोपाल की पोशाक बना सकते हो। तो ये कलर बहुत ही प्यारा है, तो लड्डू गोपाल की पोशाक बहुत ही बनकर सुंदर बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से देखिए हमारे लड्डू गोपाल की, चलो मैं आपको पहना के भी दिखाती हूँ इसको। और भी पोशाकें बनाई है देखिए इस तरीके से, ये भी बनाई हुई है ब्लू कलर की। काफ़ी सारी पोशाकें बचे हुए कपड़ों से रेडी हो चुकी हैं, काफ़ी घेर हैं इनमें। आपके पास अगर पूरा लेंथ का कपड़ा नहीं है तो आप कई सारे जॉइंट करके इनको बना सकते हैं। ये ग्रीन कलर, ये आप 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए पहना सकते हैं पोशाक। ये ब्लैक, तो देखिए मैंने ये पहना भी रखी है। ये छोटे लड्डू गोपाल हैं, 3 नंबर के लड्डू गोपाल। देखिए इस तरीके से हम सारी पोशाकें बना लेंगे। अगर आप चाहो तो और घेर की भी बना सकते हो इसी में जॉइंट करके। तो कैसी लगी आप लोगों को ये पोशाकें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगली वीडियो में।
देखिए इस तरीके से मैचिंग का मुकुट भी लगा सकते हैं आप। तो देखिए कितनी सारी पोशाकें मैंने रेडी की हैं ये बना करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।